क्या है प्रशासनिक व्यवस्था, कैसे इन्होंने इसको स्टेबलाइज करा, सारी चीजें यहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। भाई इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चा कर चुकी है किसकी, मध्यकालीन इतिहास की। और पिछले वीडियो में हम देख रहे थे चोल साम्राज्य को। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सर्व प्रमुख साम्राज्यों में से एक है, जिसने भारत ही नहीं, मतलब जिसने का मतलब उनके शासकों ने भारत ही नहीं, भारत के आसपास के जो विदेश, मतलब जो देश थे, द्वीपीय देश हुआ कर रहे थे, उन पे भी अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करा हुआ था। मतलब उनकी थल सेना से ज्यादा उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग हुआ कर रही थी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक समय के बाद सब खत्म तो होते ही हैं। लेकिन जो प्रमुख है, मंदिरों के अलावा बहुत सारी चीज है जिनकी आज तक फेमस है चोल साम्राज्य की, वो है प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। सो प्रशासनिक व्यवस्था की हम यहाँ चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। जल्दी करते हुए, बड़ी देर तो करना नहीं है, क्या है प्रशासनिक व्यवस्था, कैसे इन्होंने इसको स्टेबलाइज करा, सारी चीजें यहाँ। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोपरि अधिकारी, किसकी बात कर रहे हैं हम, चोल साम्राज्य की। बड़ी तेजी से करने वाले हैं ना। सबसे बड़ी चीज तो चलो भाई, एक बार दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ फिर से, नहीं तो आप फिर कहोगे। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे प्रशासनों की बात कर चुके हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासन की भी हमने बात करी थी, है ना, और किसके, अकबर के प्रशासन की भी बात करी थी। जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, अब ये देश है तो देश में सबसे पहले तो क्या होता है कि उसका ही केंद्रीय प्रशासन होता है ना। पूरे देश के लिए एक प्रशासन होता है जो केंद्रीय सरकार होती है ना। सो केंद्रीय प्रशासन, और फिर उसमें जो स्टेट्स हैं, मान लो हमारी ये जो है स्टेट ऐसी, ठीक है। सो इस स्टेट के लिए क्या है, फिर राष्ट्रीय राज्य प्रशासन जिसको कहा जाता है ना, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, अलग अलग प्रकार से सारी चीजें चल जाती। तो भाई साहब वही चीज है। अब यहाँ पे मेन तो क्या है, केंद्र है, ऊपर से पकड़ मजबूत बनाना। भाई राजा है, राजा को अगर पता ही नहीं है कि समस्या चल कहाँ रही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या क्या है, कौन से काम हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं है तो दूसरा व्यक्ति तो उसको बेवकूफ बना देगा। और वही तो होती थी समस्या है कि भैया आपके जितने भी सामंत हैं या जो भी है शासक छोटे मोटे, वो क्या करने लग जाते थे, जब पावरफुल हुए तो राजा को दबाना चालू कर दिया और खुद की सत्ता एस्टैब्लिश कर दी। सो वही चीज, तो केंद्र मजबूत होना चाहिए। आज भी भारत में केंद्र सरकार बहुत मजबूत है, और फिर उसके बाद आपके पर्टिकुलर जो प्रांत है उसको प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहा जाता था, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए अब वापस से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्या समझ में आ जाएगी, चलो देख लेते हैं इसमें कि भाई जो केंद्रीय प्रशासन होता था, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोपरि अधिकारी कौन हुआ करता था, ये महोदय, जिनका नाम क्या होता है, राजा, ठीक है। सो वो तो हमेशा ही हो रहे थे, हर जगह से यही सारी चीजें चलती आ रही थी। तो राजा होता था, उसकी स्थिति क्या है, बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण हुआ करती थी। प्रतिष्ठापूर्ण मतलब उसकी बहुत प्रतिष्ठित छवि हुआ करती थी। और राजपद जो था, राजपद मतलब राजा का जो पद था, वो कैसा होता था, वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब चाचा विधायक है हमारे, सो हम क्या होंगे, हम भी विधायक बनेंगे, हम नहीं तो हमारे चाचा का लड़का तो बनेगा। सो वंश के अनुसार ही सारी चीजें होती थी, मतलब हमारे पिताजी अगर राजा है तो अगला लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है भाई साहब। सो वंशानुगत होता था, साथ ही साथ इसमें भी क्या था, ज्येष्ठ पुत्र, मतलब जो अब देखो यार, राजे महाराजे बहुत शादी करते हैं तो बच्चे भी बहुत होते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं तो राजा तो एक को बना सकते हैं ना, सबको थोड़ी बना सकते हो, किसको बनाओगे, जो बड़ा बेटा है। क्यों बड़ा बेटा क्यों है, उसको ही प्रशासनिक पूरी की पूरी आप व्यवस्थाएं करवाते थे, जानबूझ के अपने साथ रखते थे कि भैया सीख लो, कल को तुम राजा बनोगे, अगर तुमने ऐसी गलतियां करी तो कुटोगे तुम, समझ में आई। तो ऐसी हरकतें करने के लिए बड़े बेटे को क्या करा जाता था, हमेशा उत्तराधिकारी, ये चलता ही है हिंदू या ब्राह्मण पद्धति जो है, उत्तराधिकार के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र को ही हमेशा बड़ा मानती है, ठीक है। सो वो ज्येष्ठ पुत्र ही क्या होता था, उत्तराधिकारी होता था। इसीलिए छोटे मोटे जो पुत्र थे जिनको मनसा होती थी किसकी के राजा बनना है, सो वो बड़े बेटे को यानी बड़े भैया को फोड़ देते थे। तो फिर बड़े भैया ही नहीं रहे, अब कौन आया, तो दूसरे नंबर का भैया, तो उसको फोड़ेंगे, फिर तीसरे को फोड़ेंगे, जब तक अपना नंबर नहीं आएगा तब तक बड़े तो अपने बचेंगे, तभी अपन हो पाएंगे, ठीक है। सो ये उत्तराधिकारी का काम हुआ करता था। इसके बाद युवराज, युवराज मतलब आप जान रहे हैं ना, युवराज वही व्यक्ति है जो उत्तराधिकारी बनने वाला है, उसको युवराज कहते हैं। मतलब राजा के जितने बेटे हैं वो सारे के सारे युवराज कहलाते थे। आपने देखा भी होगा महाभारत या फिर रामायण टाइप का, तो अपन बोलते हैं कि युवराज कहाँ जा रहे हो आप, ऐसा पूछ लेते हैं मंत्री, तो वो कहते हैं तुम्हें क्या करना है, घूमने दो भाई,
है ना, तुमको बताया, हम नहीं बता रहे, ठीक है। सो युवराज प्रशासन का क्या है, महत्वपूर्ण अंग होता था। क्यों होता था? क्योंकि भैया वही व्यक्ति तो अगला राजा बनने वाला है। सो सारे के सारे मंत्री हो गए और अनेक पदाधिकारियों की सहायता मिलेगी, उनसे आपका क्या है समन्वय बनेगा, तब तो आपका सपोर्ट बनेगा ना, इन लोग आपको सपोर्ट करेंगे आगे जाके। सो ये सहायता से उनकी शासन करते थे, कौन? युवराज, ठीक है। इसके बाद बात करें सरकारी पदाधिकारियों की, तो बाकी और पदाधिकारी इंपॉर्टेंट तो वही होते हैं। देखो राजा तो नाम मात्र का व्यक्ति है, पूरा प्रशासन कर कौन रहा है, इनके पदाधिकारी कर रहे हैं ना, पूरी की पूरी मंत्री परिषद, भाई सीएम हो गए या पीएम हो गए, नाम के लिए हेड है ना, बाकी के सारे काम कर कौन रहा है, उनके पीछे की जो फोर्स जो दिखती नहीं है, है ना, जो नहीं दिखती, पीछे के जो लोग लगे हैं, कितने पीए हो गए, उनके कितने सेक्रेटरीज होते हैं और कितने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उनके आईएएस पीएस आईपीएस इनके अंडर रहते हैं, जो इनको क्या करते हैं सारी चीजें बताते हैं, उनको थोड़ी पता रहता है। सो वही सारी चीजें, पदाधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सलाहकार आपका अच्छा है ना तो बहुत अच्छा बना देगा, और बुरा है तो आपको कुछ भी कर देगा। तो भाई साहब ऐसी चीजें हैं, पदाधिकारियों के वेतन जो देते थे वो क्या है, भूमि प्रदान की जाती थी वेतन के बदले में, ठीक है। सो वो वेतन की जगह भूमि, अब भूमि पे आप क्या करो, भूमि का मतलब ये नहीं कि छोटा एक दो एकड़ दे दी, गांव के गांव देते थे, तो पूरे गांव के गांव में इतनी बड़ी भूमि है, उस पे क्या करोगे, फसल उगाओगे, फसल से कुछ अर्निंग होगी ना, अनाज आएगा, और अनाज को क्या करोगे, बेचोगे, तो उससे टैक्स वसूल हो जाता था, तो बच पा रहे हो, पैसा उससे मिल जाता था। न्याय की व्यवस्था किसके हाथ में थी, राजा ही देखता था। तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी आज हमारे यहाँ कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ कौन होता था, केवल राजा, वही हर कुछ देख रहा है। और यही राजतंत्र की खूबी रही है, ये परेशानी है कि राजा को ही सारी चीजें देखनी पड़ती है, सो खुद में क्लैशेस आ जाते हैं और व्यवस्थाएं ढंग से हो नहीं पाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो यहाँ चोलों के पास हस्तीदल, हस्तीदल मतलब हाथियों का दल होता था सेना में, साथ ही साथ अश्वारोही, अश्वारोही मतलब घोड़े वाले जो सैनिक हैं, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, ये टुकड़ियां हुआ करती थी, कहां पे, चोल साम्राज्य में, लेकिन एक और है अभी, है ना, ये तो होती थी, उनके पास एक विशाल जलबेड़ा भी हुआ करता था, मतलब नेवी भी थी इनके पास, तो इसीलिए तो दूसरे विदेश जाके, नहीं तो हाथी थोड़ी तैर के पहुंच जाएंगे आपकी सेना लेके, कहां समुद्रों को तैर के, ऐसा नहीं होता। तो इनके पास विशाल जलवेड़ा हुआ करता था, जहाज वाले सैनिक, जिनको नेवी आज के समय में हम क्या देते हैं, चोलों की सेना। इस सेना में अरबी घोड़े भी होते थे, कौन से, अरबी घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, क्योंकि भाई घोड़े बड़े मजबूत होने चाहिए, दौड़ते रहने चाहिए और ताकतवर, ऐसे नहीं कि कुछ समय तक दौड़ने के बाद थक जाए, नहीं। सो अरबी नस्ल के जो घोड़े हैं वो सर्वश्रेष्ठ घोड़े माने जाते हैं, मतलब भारतीय इतिहास की नहीं बात कर रहे हैं, विश्व इतिहास में भी भैया अरब के घोड़े पूरी खरीद फरोख्त होती थी, व्यापारी लोग अरब से क्या है घोड़े लेके, या अरब के लोग जो व्यापारी हुआ करते थे वो घोड़े भारत में बेचने आते थे, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कीमतों में लोग खरीदते थे उनको, क्यों, क्योंकि वो सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े माने जाते थे। सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था, साथ ही साथ बात करें तो शिविरों में जिनको कडगम या पड़ेबीड़ू, शिविर को कडगम या पड़ेबीड़ू कहा जाता है, सो उसमें रखा जाता था किनको, सैनिकों को, भाई जैसे हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है या फिर आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही इन सैनिकों की भी ट्रेनिंग करवाते थे, ठीक है। चोलों की सेना में 1.5 लाख, भैया कम नहीं है ये, 1.5 लाख पैदल सैनिक थे अकेले, पैदल सैनिक के अलावा 60,000 का तो हस्तीदल था, हाथी। चोल साम्राज्य जो है अंग रक्षकों की एक टुकड़ी रखते थे, इनके साथ क्या है अंग रक्षक चलते थे, बॉडीगार्ड जिनको हम आज कहते हैं, और जिन्हें विडिक्कार कहा जाता था, विडिक्कार, वल्लकुम तो अलग चीज है, वल्लकुम यहां पे विडिक्कर होता है, विडिक्कर, ठीक है। सो विडिक्कर इनको कहा जा रहा है, ये बॉडीगार्ड कह रहे हैं। चलिए भैया चोलों के पास हस्ती दल के अलावा क्या था, यहां पे नायक, सेनापति, महादंड नायक, ये क्या थे, ये सेना की पोस्ट है, पहले तो सेना नायक फिर सेनापति, बहुत सारी सेना नायकों का हेड सेनापति, और सेनापति का भी हेड प्रमुख सेनापति, जिसको महादंड नायक कहा जाता था, ये सेना व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। 1/3 भाग, 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, सो 3 में से 1 भाग देने का, ये क्या हुआ करता था, भू राजस्व हुआ करता था, जो कौन लेता था, राजा ले लेता था, जमीन के सर्वेक्षण के पश्चात, पहले तो दिखवाता था कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, जमीन में फसल कितनी हुई है, उपज जो हुई है उसके हिसाब से ही टैक्स लिया जाता था, कई बार कम और कई बार ज्यादा भी किया जाता था, अच्छी फसल हो गई तो ज्यादा ले लो,
भाई किसान को भी समस्या नहीं है, खराब फसल हुई है तो कम ले लो कि चलो अगली बार तुम्हें मैनेज कर देंगे भाई ज्यादा हो गई तो वो किसान भी खुश है, आप भी खुश हो, काम हो जाता था। ठीक है, तो इसके हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था और सिंचाई की तो व्यवस्था थी पर्याप्त। कावेरी नदी भाई साहब आप समझो अभी भी कावेरी जल विवाद चलता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, क्यों चलता है? बस इसी नदी के पानी को लेके, क्यों? इसी से सिंचाई हो रही है, खेती भी इसी से हो रही है। सो वो सारी चीजें थी। अब भैया ये पूरी सिंचाई व्यवस्था किसके द्वारा हो? सेंट्रल के द्वारा होती है, अभी तो स्टेट के द्वारा होती है, लेकिन हाँ तो भैया ये भी राजा के द्वारा ही करवाई जाएगी सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर। ठीक है, बेगारी प्रथा का प्रचलन था। बेगारी प्रथा मतलब बेरोजगारी, बेगारी कहते हैं। भूमिदान देने की प्रथा भी प्रचलित हुआ करती थी, ब्राह्मणों को मंदिरों को दान में क्या है भूमि दी जाती थी और वो भी टैक्स फ्री दी जाती थी, टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें तो सीमा शुल्क, भूमि कर, राहदारी, उद्योग कर, खदान और जंगल, ये सब के सब क्या है टैक्स इन सब चीजों पर लगते थे। इस प्रकार के टैक्स थे जो क्या थे सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हुआ करते, सरकार मतलब राजा की। ठीक है, इसके अलावा राज की आमदनी राजा को भाई वो पैसा जो है उसको खर्च कहां करोगे, सो राजा पे खर्च करते थे, राजा के परिवार पे खर्च करते थे, वो राजा के दरबार पे खर्च करते थे, राजा की सेना पे खर्च करते थे और राजा के प्रशासन पे खर्च करते थे, मतलब जनता के प्रशासन पे। सो ये सारा का सारा पैसा इन्हीं चीजों में लग रहा है, मैक्सिमम पैसा प्रशासन के अलावा सब राजा से रिलेटेड ही है, तो राजा के सानो शौकत और सारी चीजों में क्या है ज्यादा पैसा खर्च होता था, बाकी फिर प्रशासन बच जाए सो प्रजा के लिए हो जाता था। ठीक है, ये सारी की सारी आय खर्च की जाती थी। सीमा शुल्क, भूमिकर, राहदारी, ये सारे के सारे जो है ये डबल लिख गया है यहाँ पे, इसलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ जाते हैं। चलो, चोल साम्राज्य विभिन्न मंडलों में बचा, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो ये प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने जो काम किया है वो भारत में आज जो स्थानीय स्वशासन आया है, जो पंचायती राज चला है, वो भी लगभग सेम चीज है, ये तब कर रहे थे। हमने तो क्या है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आजादी के बाद 1793 में लागू किया हमने, लेकिन भैया ये लोग तो शुरू से कर रहे हैं, उस समय कर रहे हैं जब क्या मध्यकाल चालू ही था, है ना, मतलब आज से 1200 साल पहले से ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। कैसे कर रहे थे? सो इनने अपने साम्राज्य को बहुत सारे मंडलों में बांटा था, किसमें? मंडलों में। और मंडल कितने थे? 7 या 8 मंडल थे, उस समय के राज्य मंडल कहला रहे हैं। ठीक है, और नाडू कुरलम में विभक्त थे, कौन ये मंडल जो है वो या तो नाडू में और नाडू फिर पुनः किसमें कुरलम में विभक्त थे, मतलब मंडल से छोटा नाडू, नाडू से छोटा कुरलम। ठीक है, कैसे अभी समझ में, जैसे तमिलनाडु एर्नाकुलम, समझ में आया? तो ये नाम इसीलिए तो पड़ गए। ठीक है, गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, उलर सभा, महासभा, नाहुर, उर, ये सब क्या थे स्थानीय स्वशासन के प्रमुख अंग हुआ कर रहे थे। स्थानीय स्वशासन की अगर बात करी जाए तो भारत में चोल साम्राज्य ने ही स्थानीय स्वशासन दिया है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चलिए, सभी जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मणों का क्या था, संगठन हुआ करता था और उस साधारण एक सभा हुआ करती थी, सभा जो थी ब्राह्मणों का संगठन, और उर, ये अभी देख रहे हैं ना हम इधर, ये उर हो गया है ना, सभा हो गया। सो सभा जो थी वो ब्राह्मणों का संगठन था, ग्रुप था, और जो था वो किसका था, साधारण सभा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा चलती ना वैसा इनकी सभा हुआ करती थी। नाट्टुदूर नायडू, नाडुओं है ना, नाडुओं की समितियां होती थी, किसकी, नाट्टुदूर जिनको बोल रहे हैं वो नाडुओं की, नाडुओं मतलब ये जो नाडू बनाए हैं ना अपने मंडल के नीचे वाले, उनकी जो समितियां हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, नाट्टुदूर बोल रहे हैं। ठीक है, नगस्तार, नगरतार जो है वो व्यापारियों की समितियां हुआ करती थी। सो भैया प्रॉपर समिति व्यवस्था भी चल रही, यानी कि संघ बनाने का काम यहां से चालू हो चुका था। चोलकालीन गांव जो थे वो 30 बार्डों में विभक्त होते थे, जैसे हमारे यहाँ गांव में बार्ड बनते हैं, फिर उनसे बार्ड मेंबर चुने जाते हैं, है ना, फिर उन सब मिलके क्या है पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, ऐसी ही चीज है कि यहाँ पे जो गांव थे वो 30 बार्डों में विभक्त होते थे जिनसे निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, वही बार्ड मेंबर जिनको हम बोल रहे हैं। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए महासभा द्वारा कई समितियां भी बनाई जाती थी, जो महासभा बनेगी उससे बहुत सारी समितियां भी बनाई जाती थी। इसके बाद बात करें तो यहाँ जो समाज हुआ कर रहा था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वो तो हमने देखा है कि भाई उस समय चल ही रहा है वर्ण व्यवस्था चल रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, सो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। ब्राह्मण राजा के सहयोगी कौन हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे,
और समाज में सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। कौन? ब्राह्मण। क्षत्रियों की बात करें तो ब्राह्मणों के संरक्षक थे। भाई ऑब्वियसली बात है, राजा क्या करेगा, पहले तो ब्राह्मण को बचाएगा। अगर प्रजा पे कुछ हुआ तो पहले ब्राह्मण को बचाओगे, प्रजा को बाद में बचाओगे। अगर दो लोग हैं धर्म संकट के हिसाब से और आप इतने शक्तिशाली हो तो दोनों को बचा लो, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले लिखा ही है धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भैया ब्राह्मण को पहले बचाना, क्योंकि यही तो सब करेगा, ठीक है। तो फिर सैनिक व्यवस्था देखने वाले कौन होते थे? क्षत्रिय हुआ करते थे, व्यापारी या वर्ण संकर, ये जातियां जो वर्ण संकर मतलब ऊंच नीच से शादी विवाह होने के बाद जिनको वर्ण संकर कहा जाता है। सो इनका बहुत सारा अस्तित्व हुआ कर रहा था। देवदासी प्रथा भी बहुत ज्यादा विद्यमान है दक्षिण भारत में। देवदासी मतलब बहुत सारी महिलाएं अपने भगवान को अपना पति मान लेती थी या उनके लिए दासी के स्वरूप काम करती थी। लेकिन अब भगवान को थोड़ी जरूरत है दास की या किसी प्रकार से सेवा शुश्रूषा की। उस समय के जो पंडित जी लोग होते थे मंदिरों में, उनका यूज मतलब वो देवदासी जो दासियां थी, वो दासियां किसको, फिर पंडित जी लोग उनको यूज करने लग जाते थे कई बार, उनसे कार्य करवाना और सारा, और कई बार फिर यहाँ चीजें बिगड़ने भी लग जाती थी। सो देवदासी प्रथा एक बहुत ही गलत धारणा हुआ करती थी उस समय की मध्यकालीन भारत की, ये यहाँ विद्यमान हुआ कर रही थी। साथ ही साथ स्त्रियों को संपत्ति माना जाता था। तब तक स्त्रियां पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती थी। जब तक शादी नहीं हुई तो पिता की संपत्ति, और शादी हो गई तो पति की संपत्ति, और पति एक्सपायर हो गया तो बेटे की संपत्ति। अब आप कहोगे बेटा हुआ ही नहीं तो क्या करोगे, तो भैया वो देख लेना, ठीक है। प्रशासन में भाग लेने का अधिकार तो था यहाँ पे। साथ ही साथ वहां पे सती प्रथा के भी पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं। बहु विवाह का प्रचलन तो चल ही रहा था, बहुत सारे विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह मतलब ये होता है कि मान लो बड़ा एक तो पुरुष और स्त्री, तो पुरुष बड़े वर्ग का है और ये स्त्री छोटे वर्ग की है, तो वो क्या हो जाता था, अनुलोम। और स्त्री बड़ी वर्ग की है और पुरुष छोटे वर्ग का है, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ऐसे हम विवाह पढ़ेंगे जब, हम प्राचीन काल पढ़ेंगे तो वैदिक शास्त्र जब हम पढ़ने वाले हैं तो उनमें सारे संस्कारों की बात करेंगे। विवाह के 8 प्रकार हुआ करते थे, 4 अच्छे भी थे 4 बुरे भी थे। सो वो सारी प्रथाएं अभी उसी हिसाब से यहाँ पे चोल काल में चल रही है, ठीक है भैया। इसके बाद बात करें तो शैव एवं वैष्णव धर्म का यहाँ पे चोल साम्राज्य ने ज्यादा पालन किया, मतलब ब्राह्मण धर्म को मानने ही वाले थे मैक्सिमम, ठीक है। सो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी वही दिया। आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास या तमिलनाडु और आस पड़ोस में, थोड़ा सा कर्नाटका ले लो, आंध्रा ले लो, यहाँ पे जितने भी मंदिर बने हैं भव्य भव्य मंदिर, वो या तो शिव जी को समर्पित है या कृष्ण जी को समर्पित है। सो इस मत को ये लोग ज्यादा प्रोत्साहन देते थे। भव्य मंदिर बने एक से एक, मतलब द्रविण कला की जो आप मान के चलो मंदिर शैली है वो तो देखने लायक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे जीवन चिंतामणि, सूलमणि, कलिंग तुड़ाणी, रामावतारम, रसोलियम, कुंडल केशी, कल्लदम, नलवेब, पेरियार पुराणम। चोलों के शासन की ये प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं, मतलब जो चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो इन कृतियों से मिलती है। सो ये बहुत सारी हैं जिनमें जीवन चिंतामणि बहुत फेमस है और पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए, चोलों ने द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कराया, अब भी चर्चा करी थोड़ी देर पहले, है ना। सो द्रविड़ शैली कहलाती है वो, दक्षिण भारत में मंदिर की जो शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। उसमें मंदिरों का निर्माण कराया है नरतमले, ये राजा का नाम है या व्यक्ति विशेष का नाम है, उन्होंने विजयालय, ठीक है, नरतमले ये मंदिर का नाम है और व्यक्ति कौन है, विजयालय, ठीक है, जिनने ये बनवाया है। चोलेश्वर मंदिर, श्रीनिवास नल्लूर, कोरंडनाथ मंदिर, ये सारे के सारे चोल काल में ही निर्मित हुए हैं मंदिर। एक से एक यहाँ पे शिल्प कला आपको देखने को मिल जाएगी भैया। 192 फिट मतलब 58.5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है जो चोल शासक राजराजेश्वर ने बनवाया था, कहाँ, तंजौर में, ठीक है। और उसका क्या नाम है, बृहदेश्वर मंदिर, या उसी को कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। और बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया या राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, कहाँ एस्टैब्लिश है, तंजौर में एस्टैब्लिश है, कितने बड़ा है, 192 फिट ऊंचा है। इसके अगर बात करें तो द्रविड़ शैली का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया, त्रिभुवनेश्वर मंदिर है, गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर भी है, ठीक है। ये प्रमुख स्थापत्य कला जो है द्रविड़ शैली के
द्रविड़ शैली चलती थी तो उसी में बने हैं। सो यही प्रमुख उदाहरण भी द्रविड़ शैली के मान लिए जाते हैं। इसके अलावा निष्कर्ष की हम बात करें पूरे के पूरे दक्षिण भारत के साम्राज्यों में, जैसे हमने राष्ट्रकूट पढ़ा और अभी चोल पढ़ा, तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि भैया 800 से 1200 ईस्वी के काल में, 800 से 1200 वही काल चल रहा है जो पूर्व मध्य काल कहलाता है। सो इस काल में उत्तर भारत में राजपूत शासन चल रहा था और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट और चोल चल रहे थे और भी छुटपुट चल रहे हैं, अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस काल में भारत बहुत ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, मतलब कोई एक स्थायित्व शासन नहीं था। कोई राजा बन रहा उसके सामंत कल को कमजोर शासक को हरा के खुद गद्दी पे बैठ रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या थी, अस्थिरता थी यहाँ पे। और विभिन्न राजपूत वंशों का उदय हुआ और अंत भी हुआ, साथ ही साथ विकृत परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में अपना जो मौलिक स्वरूप है उसको खो भी दिया। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस काल की अगर हम बात करें तो भैया बहुत ही समृद्ध है, किस मामले में, संस्कृति के तौर पे, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा यहाँ पे धरोहरें हमें, सांस्कृतिक धरोहरें मिल जाती हैं। कला और स्थापत्य की बात करें तो भैया बहुत ही विशिष्ट शैलियों का प्रयोग हुआ है, दर्शन और साहित्य का बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ है, धार्मिक मान्यताओं में भी प्रोत्साहन मिला है क्योंकि धर्म सहिष्णुता बनी रही थी अभी तक। और सारी की सारी बात करें तो इस काल में इससे ज्यादा कहीं भी धर्म सहिष्णुता की बात नहीं मिली, क्योंकि फिर अब यहां से जब मध्यकाल स्टार्ट होगा, उत्तर मध्यकाल, या फिर जहां से लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, तो फिर वहां से तो धर्म सहिष्णुता बनी नहीं सकती, बची नहीं सकती, है ना। तो ये यहाँ पे निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं। और फाइनली चोलकालीन प्रशासन यहाँ खत्म होता है। हमने चोल काल की बात कर लिया, चोल साम्राज्य की, राष्ट्रकूट की बात कर ली, बाकी जितने भी हमारे वंश हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पे हम पेश करने वाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।